हम सीखेंगे भूलना कैसे भूले और कैसे याद करे, यानी कम टाइम में मैक्सिमम चीजों को कैसे लर्न करे, ये आज हमारा मेमोरी में हम लोग ये सारा डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमारा ब्रेन है क्या, ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ब्रेन किस प्रकार काम करता है। तो आप देख सकते हैं चित्र के अनुसार हमारा जो ब्रेन है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। और लेफ्ट ब्रेन के अपने पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं एंड राइट ब्रेन के कुछ पर्टिकुलर अपने फंक्शंस होते हैं। तो ये कौन कौन से फंक्शंस हैं और ये कैसे हमारी हेल्प करेंगे चीज़ों को लर्न करने में, ताकि हम लोग 10 मिनट के अंदर भी 1 आवर्स का डेटा लर्न कर सकें और वो भी लाइफ टाइम के लिए। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लेफ्ट ब्रेन में कौन कौन से पार्ट हैं और इन पार्ट्स को कैसे इनको मैक्सिमम यूटिलाइज करके चीज़ों को लर्न कर सके। तो हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट ब्रेन के अंदर सबसे पहला हमारा पार्ट दिया है लॉजिक, सेकंड है एनालिसिस, नेक्स्ट है लीनियर, नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, नेक्स्ट लैंग्वेज एंड फैक्ट, थिंक इन वर्ड एंड वर्ड ऑफ सॉन्ग एंड कंप्यूटेशन। यानी ये हमारे लेफ्ट ब्रेन के पार्ट है जो हमारे लेफ्ट ब्रेन को स्ट्रांग बनाते हैं। इसी प्रकार राइट ब्रेन के हैं। तो पहले हम लोग लेफ्ट ब्रेन का डिस्कस करेंगे। तो लेफ्ट ब्रेन में सबसे पहला पार्ट है लॉजिक। लॉजिक का मीन्स होता है जो किसी प्रिंसिपल और सिद्धांत पर बेस्ड हो। लॉजिक का मीन जो किसी किसी प्रिंसिपल किसी सिद्धांत पर बेस्ड हो वो लॉजिक कहलाते हैं। यानी पहले हम चीजों को समझते हैं फिर याद करते हैं। यानी याद रखना वो चीजें जो बार बार हमें रिपीट करके याद रखी जाती है वो हमारी एक प्रकार से लॉजिक्स बन जाती है। लेकिन लॉजिक के अंदर चीजों को लर्न करना तो आसान है लेकिन अंडरस्टैंड करना समझना थोड़ा कठिन होता है। समझे, पहले हम लोग चीजों को समझते हैं और फिर याद करते हैं। अगर समझा नहीं है तो हम लोग याद नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने एक बार समझ लिया तो उसको याद रखना बहुत आसान हो जाता है। जैसे हम लोगों ने बचपन के प्लस और माइनस करना सीखा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना सीखा था, तो आज हम भी कर पा रहे, लेकिन उस समय हमको समझने में टाइम लगा था। लेकिन एक बार एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने समझ लिया कि कैसे नंबर्स को ऐड किया जाएगा, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो उसके बाद अब हमें उसको याद रखने की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, हम इजी वे में कर लेते हैं। तो फैक्ट्स के अंदर पहले समझा जाता है फिर याद किया जाता है। और हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी का प्रिंसिपल हमको दिया। जैसे ही पेड़ से नीचे गिरा तो पहले हमने उसको समझा कि एक ग्रेविटी यानी हमारी धरती के अंदर एक ताकत होती है जो हर चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। इसको जब न्यूटन ने सिद्ध कर दिया, हमने इस प्रिंसिपल को समझ लिया, तो आज हमको याद करने की जरूरत नहीं है कि कोई भी चीज नीचे गिरती है तो उसके पीछे रीजंस क्या है। इसे कहते हैं हम लोग लॉजिक। यानी लॉजिक के अंदर आप किसी चीज को देखते हैं, उसको समझते हैं, बार बार समझते हैं, फिर आप उसको याद रख लेते हैं। इस प्रिंसिपल को, इस फैक्ट्स को हम लोग कहते हैं लॉजिक। तो लेफ्ट ब्रेन का ये पार्ट हमें लॉजिक्स को समझने और याद रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एनालिसिस। एनालिसिस हमें ये बताता है क्या है। समझे, हम जब किसी चीज को एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो ये जानने की कोशिश करते हैं क्या सही है और क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीजें हमारे ब्रेन का एक पार्ट होती है एनालिसिस, जो इस पार्ट को करता है ताकि हम उसके बेस पर हम ये डिसाइड कर पाए कि क्या किन चीजों को कैसे कैसे याद किया जाए और किन चीजों को कैसे याद नहीं किया जाए। हालांकि हम आगे के वीडियोज में इसके बारे में बहुत डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट सिक्वेंसिंग। सिक्वेंसिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को एक क्रम में, एक ऑर्डर में, सिक्वेंस में जमाना, और वो जमा हुआ है या नहीं है इसको हमारे ब्रेन का सिक्वेंसिंग पार्ट जो है वो समझता है। जैसे आपने देखा होगा स्कूल्स के अंदर प्रेयर में
यानी प्रार्थना स्थल पर बच्चों को इस प्रकार सीक्वेंस में खड़ा किया जाता है। सबसे छोटे बच्चे को आगे किया जाता है, उससे बड़ा उसके पीछे होगा और उसके पीछे होगा। अगर बाय चांस बड़ी लाइन में बड़े बच्चों में अगर बीच में कोई छोटा बच्चा खड़ा हो जाता है तो उसको पहचानने में हमारे ब्रेन का ये हिस्सा काम करता है जिसे हम लोग सीक्वेंसिंग कहते हैं। तो सीक्वेंसिंग ये देखता है कि चीजों को सीक्वेंस में क्रम में एक ऑर्डर में जमा हुआ है या नहीं है, उसको पहचानने और समझने का काम लेफ्ट ब्रेन का ये पार्ट करता है। नेक्स्ट है लीनियर। लीनियर क्या काम करता है? लीनियर यानी लाइंस को पहचानने का काम करता है कि लाइन का शेप क्या है। जैसे आप एक रेक्टेंगल बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है या सर्किल बना हुआ है, इसको पहचानने के लिए ब्रेन का जो पार्ट काम करता है वो लेफ्ट ब्रेन का लीनियर पार्ट होता है। मैथमेटिक्स के जो कैलकुलेशंस होती हैं, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लाइज, डिवीजन है, रूट निकालना है, उसका जो मेथड्स है हमारे माइंड में सेट रहता है, उसको कैसे फॉलो करना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, ब्रेन का ये पार्ट इस काम को करने में हमें कैपेबल बनाता है। नेक्स्ट लैंग्वेज यानी हम लोग, आज मैं अगर आपसे हिंदी बोल रहा हूं तो ये सब चीजें मेरे लेफ्ट ब्रेन के लैंग्वेज पार्ट इसको कंट्रोल कर रहा है। आप एक सेकंड में बहुत सारे वर्ड का यूज करते हैं वो लैंग्वेज के इस पार्ट के थ्रू ही हो पाता है। यानी हम कह सकते हैं लेफ्ट ब्रेन का जो लैंग्वेज पार्ट है ये हमको लैंग्वेज और भाषा को समझने और याद रखने और उनको यूज करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है फैक्ट। फैक्ट का मीन्स है जो किसी ना किसी फैक्ट तथ्य पर आधारित हो। हम इस चीज को ऐसा समझ सकते हैं कि कोई चीज दूसरी चीज से जब इंटीग्रेट होती है, यानी हम एक चीज को दूसरी चीज के साथ जोड़कर देखते हैं तो वो फैक्ट पर डिपेंड करता है। जैसे हम कहें आगरा में ताजमहल है तो आगरा याद आता ही हमें ताजमहल याद आता है, या ताजमहल याद आता ही हमें आगरा याद आता है। हम कहें लाल किला दिल्ली में है तो क्या होगा, दिल्ली सुनते ही हमको लाल किला हमारे माइंड में आता, तो ये फैक्ट है। यानी जो किसी न किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है इसका हम लोग मेमोरी में लर्न करने में बहुत सारी चीजों को याद रखते हैं, थ्योरीज को याद करने में इसका मदद करते हैं। जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि हम कभी हमारी की भूल जाते हैं, कभी मोबाइल का चार्जर भूल गए, कभी हम लोग हमारी नोटबुक भूल जाते हैं, कभी पेन नहीं मिल रहा है, कभी स्पेक्स नहीं मिल रहा है, कभी कभी हमारे सामने ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन कभी आपने सुना है कि मुझे टमाटर नहीं मिल रहे घर में या आलू नहीं मिल रहा? नहीं होता ना ऐसा। क्यों? क्योंकि वेजिटेबल को, सब्जियों को रखने के लिए हमारे घर में एक प्लेस होता है, चाहे वो फ्रिज हो या कोई भी एक प्लेस हो जहां पर हम उनको स्टोर करके रखते हैं। तो स्टोर करने की वजह से हमें पता है कि वेजिटेबल का नाम आते ही हमें पता है किस प्लेस पर ये मिलने वाला है। तो इसे कहते हैं फैक्ट। यानी जब किसी चीज को आप किसी के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं तो चीजों को सर्च करना, याद करना क्या रह जाता है, आसान हो जाता है। थिंकिंग ऑफ वर्ड, ये लेफ्ट ब्रेन का वो पार्ट है जो हमारी थिंकिंग को, सोचने समझने को वर्ड के फॉर्मेट में याद रखता है। जब आप सोचते हो तो उसको वर्ड के फॉर्मेट में कैसे याद किया जाए, ये ब्रेन हमारा काम करता है। इसके बाद ऑफ सॉन्ग्स। वर्ड्स ऑफ सॉन्ग का मतलब है जब भी आप कोई सॉन्ग सुनते हैं तो उसका वर्ड्स आपको याद करना आसान हो जाता है। किसी भी वर्ड को आप सॉन्ग के रूप में याद रख सकते हैं कि जितनी भी एडवर्टाइजमेंट कंपनियां हैं वो अपनी बात को कहने के लिए एक सॉन्ग में कन्वर्ट कर देती है। जैसे आपने सुना होगा एक बार इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, एक एडवर्टाइजमेंट आता है हमारे डिटर्जेंट पाउडर का, तो उसमें क्या हो रहा है आपको एक सॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया कि पहले सिंबल कहा जाता तो शायद नहीं रहते लेकिन इसको एक साउंड के रूप में, एक सॉन्ग के रूप में आपको दिया तो याद करना आसान हो गया। किसी नंबर को आपको याद रखना है तो उसको एक गाने के फॉर्मेट में, एक सॉन्ग के फॉर्मेट में आप उसे अगर कन्वर्ट कर देते हैं उस लैंग्वेज को तो आप इजी वे के अंदर याद रख सकते हैं। तो हमारे लेफ्ट ब्रेन का ये पार्ट किसी भी वर्ड को सॉन्ग के रूप में लर्न करने में मदद करता है। हम आगे के टॉपिक्स में देखेंगे इन सबको हमको यूज करना है, यूटिलाइज करना है। जब हम लोग इसका यूज करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा एग्जाम्पल के थ्रू। अभी हम लोग शॉर्ट में इनके पार्ट्स को देख रहे हैं, फिर इनका यूटिलाइजेशन भी हम लोग करेंगे आगे के काफी सारे लेक्चर की वीडियोज में। और लास्ट है हमारा कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन के अंदर हम लोग गणनाएं करते, यानी जैसे ह्यूमन और
कंप्यूटर दोनों मिलकर जो काम कर सकता है वो कंप्यूटेशन कहलाता है। या हम कहें गणनाएं, यानी किसी चीज को काउंट करना, गणना करना, ये सब चीजें इसका पार्ट होती है कंप्यूटेशन का। तो ये हमने देखा कि लेफ्ट ब्रेन के इतने सारे पार्ट्स होते हैं जो हमारे किसी न किसी फंक्शन को इफेक्ट करते हैं। जब किसी चीज को हम लोग लर्न करते हैं तो किसी न किसी एक पार्ट को हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं। अच्छा, किस पार्ट का कैसे यूज किया जाएगा ये उन मैटर के ऊपर डिपेंड करेगा जिन्हें हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो हम देखें, ये हमारा लेफ्ट ब्रेन का फंक्शन हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं राइट ब्रेन के फंक्शंस के।